महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमाऊँवाणी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। नमस्कार दिव्यालयों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम महकतांचल में। आप लोगों का जुड़ाव और प्यार हमें साफ बताता है कि आप लोग कार्यक्रम को खूब सुनते हैं। दिव्यालयों, आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे गर्भनिरोधक साधनों के बारे में। जैसे कि आप तो जानते ही है ना, समय का घोड़ा काफी तेजी से दौड़ रहा है। आज समय के साथ साथ हमारी सभी बहने गर्भनिरोधक साधनों को काफी इस्तेमाल भी करती है। एक समय था इन सबके बारे में हम सब लोग जानते तक नहीं थे, एक कल्पना तक नहीं की थी, लेकिन आज विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि आज हम सब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और उन्हीं में से एक चीज है कॉपर टी। कॉपर टी को तो आप सब जानते ही होंगे ना, और कॉपर टी से सभी लोग बखूबी परिचित हैं। कॉपर टी एक कारगर गर्भनिरोधक साधन है। यह हमारे यूट्रस यानी गर्भाशय में शुक्राणु एवं अंडाणु को मिलने से रोकता है और इसके कारण गर्भ नहीं ठहरता है। और साथ ही आपको यह भी बताना चाहूंगी कि यह बच्चों में अंतर रखने का एक सटीक तरीका है, जिसे सुविधा अनुसार हटाया भी जा सकता है और लगाया भी जा सकता है। और यह बात तो आप जानते ही है ना, इसे किसी ट्रेन मेडिकल पर्सन के द्वारा ही लगाया जाता है। आइए जानते हैं आखिर कैसी होती है कॉपर टी। कॉपर टी एक छोटी लचीली प्लास्टिक फ्रेम से बनी होती है और प्लास्टिक फ्रेम की सतह पर कॉपर टी की तार या पत्ती लगी होती है, जो अलग अलग तरह से कॉपर टी भिन्न भिन्न समय के लिए कारगर होती है। यह लगभग 3 से 5 या 10 साल तक के लिए होती है। कॉपर टी 380A सरकारी अस्पतालों में निशुल्क उपलब्ध है और यह 10 साल के लिए भी कारगर होती है। जैसे कि कॉपर टी की अवधि पूरी हो जाए या फिर गर्भधारण करने की इच्छुक हो आप लोग, तो इसे निकाला भी जा सकता है, और जिसके लिए बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है, जिसे तुरंत हटाया या फिर लगाया भी जा सकता है। तो आइए जानते हैं कॉपर टी लगाने के बाद ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें। कॉपर टी इस्तेमाल करने के बाद कुछ दिनों तक पेट में हल्का दर्द व ब्लीडिंग होना एक सामान्य बात है। वैसे यह किसी बीमारी का लक्षण तो नहीं है, लेकिन यह जल्द ही ठीक हो जाता है। यदि सामान्य दिनों से अधिक ब्लीडिंग हो तो तुरंत ही डॉक्टर को दिखाएं। एक बात और, महिला कॉपर टी के धागे को अपने गुप्तांग में महसूस करती है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। साथ ही हर महावारी के बाद चेकअप कराना चाहिए, ताकि पता चल जाए कि कॉपर टी अपनी जगह में है या नहीं है। कॉपर टी का धागा न मिलने पर तुरंत ही डॉक्टर को दिखाएं। आइए अब जानते हैं आखिर कब लगाएं कॉपर टी। कभी भी जब महिला गर्भवती ना हो तो महावारी के 10 से 12 दिनों में ही हम कॉपर टी लगवा सकते हैं। और साथ ही आपको मैं बताना चाहूंगी क्या फायदे हैं कॉपर टी के। ये बात तो आप जानते ही हैं, कॉपर टी लंबे समय तक कारगर है। साथ ही महिलाओं को रोज रोज गर्भ ठहरने की चिंता नहीं रहती है। यह यूट्रस कैंसर से बचाता है, यानी गर्भाशय कैंसर से बचाता है। और यह बात भी जानना बहुत जरूरी है कि कौन लगा सकता है कॉपर टी। वो महिलाएं जो लंबे समय तक गर्भधारण नहीं करना चाहती हैं या बच्चों के बीच अंतर रखना चाहती हैं। तो सखियों, आइए मिलते हैं डॉक्टर ज्योत्सना कुन्याल जी से और उन्हीं से जानते हैं कॉपर टी के बारे में संपूर्ण जानकारी। कॉपर टी एक, इसको हम कह सकते हैं इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, मतलब एक ऐसा साधन है जिससे कि हम माता के दो बच्चों के बीच में हम एक स्पेस, एक गैप रख सकते हैं, काल, एक समय काल के बांध सकते हैं समय काल में। जैसे नहीं तो क्या होता है, कई चीजें ऐसी होती है महिलाओं के अंदर अज्ञानता होती है, उनको ये नहीं मालूम होता है कि बच्चे, दो बच्चों के बीच में कितने समय का एक
अंतराल होना चाहिए, तो उसके लिए क्या होता है कि हम इस कॉपर टी के माध्यम से महिला को, मातृशक्ति को, हम जो है मेंटली, दिमाग से जो है, मानसिक तौर से हम उसको तैयार कर सकते हैं, और उसको डालने से कई उसके लाभ हानि जो भी होंगे वो हम आपको बताएंगे आगे। बिल्कुल मैम, तो कॉपर टी के बारे में तो आपने बताया हमें, तो क्या मैम इसके सिर्फ एक ही प्रकार होता है या फिर ये कई अलग अलग प्रकार की भी होती है, इसके टाइप क्या होते हैं? हाँ, कॉपर टी, पहले मैं आपको ये बताऊंगी कॉपर टी है क्या। हाँ, कॉपर टी एक टी शेप का, जैसे हम हल्का आकार का, एक पतला सा, करीब उसकी लंबाई और चौड़ाई जो होती है 32 मिलीमीटर चौड़ा वो होता है, और 36 मिलीमीटर वो उसकी लंबाई होती है लगभग, इसका जो माध्यम, जो उसका आकार बताया गया है, और हल आकार का ये होता है। और कॉपर एक जैसे धातु होता है, उससे इसके ऊपर एक लेयर, एक वायर लगी होती है, जिससे कि जो भी हमारे जो हार्मोन, जिनसे कि बच्चा गर्भ धारण हो जाता है, उस गर्भ के धारण को ये रोकता है, और इसको बच्चेदानी के अंदर से डाला जाता है। महावारी के 5वें-6वें दिन के बाद में इसको, इसका धारण किया जाता है महिला द्वारा, और किसी एक अच्छी जो डॉक्टरनी है, चिकित्सक है, या कोई अच्छी जो आजकल के सिस्टर्स होती हैं जिसे कहते हैं, उनके द्वारा उसको प्रशिक्षित जिसे कहते हैं उनसे हम डरवाते हैं जी। तो मैम जैसे आपने कहा कि महावारी के 5वें या फिर 6वें दिन के बाद इसको हम लगा सकते हैं, जैसे कोई महिला उसकी डिलीवरी हो चुकी है तो वो अब बच्चा नहीं चाहती, तो वो इसको कितने समय बाद लगा सकती है? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। एकदम से हम डिलीवरी के तुरंत, बच्चा होने के बाद में, प्रसव के बाद ही हम नहीं इसको बोलते, क्योंकि ऐसा होता है कि उस समय पे जो यूट्रस होता है, बच्चादानी जो होती है, वो इतनी कोमल होती है कि वो अभी पहले अपने पूर्ण जिस जगह पे होती है, पोजीशन पे, वहां पे नहीं आती है। तो 3 महीने, मतलब 3 से 6 महीने हम कहते हैं कि गर्भ धारण करने का जो यूट्रस होता है उसको हम 3 महीने कम से कम कहते हैं कि वो नॉर्मल एक प्राकृतिक तरीके से जो अपने जगह में आती है, उसके बाद ही गर्भ धारण करना। क्योंकि एक तो बच्चादानी बहुत सॉफ्ट होता है क्योंकि बच्चा तुरंत ही अभी पैदा हुआ है, दूसरा जो होता है महिला को बहुत सारी चीजें और नहीं मालूम होती, तो उसके बाद में उसको संज्ञान में उसके डाल दिया जाता है, और 3 महीने में जब बच्चादानी वापस अपनी स्थिति में, सही पोजीशन में आ जाता है, उसके बाद ही हम उसको, महिला को हम एडवाइस करते हैं कि आप वहां डालें, बिल्कुल लगवा सकते हैं। मैम आजकल एक चीज मैंने सुना, कॉपर टी 200 और एक मल्टीलो कॉपर टी 250, दो चीजें मैंने सुनी इनके बारे में, तो इन दोनों में क्या अंतर है और क्या है? देखिए, कॉपर टी जो 200 वाली है, कॉपर टी 200 जो होती है, वो मोस्टली हमारे भारत देश में एक्सेप्टेड मानी, और ये सबसे बढ़िया सुविधाजनक बात इसमें यह है कि कॉपर टी को, जो कॉपर टी 200 है, वो अर्बन बाहर के जो सिटी है वहां पे, गांव में और कहीं भी, मतलब आपको अवेलेबल है, सब जगह मिल जाती है। एक इसका स्टैंडर्ड साइज है, किसी का बच्चेदानी छोटा हो चाहे बच्चेदानी बड़ा हो, लेकिन हम हर स्थिति में इसको हम लगा सकते हैं, और ये कम रेट का होता है, मतलब इतना होता है कि हर उसको एक नागरिक जो है उसको अफोर्ड कर सकता है। बिल्कुल, यानी कि जो 200 वाली है उसको हम कोई भी लगा सकता है उसको, लेकिन जो आपने दूसरा बताया था मल्टीलोड 250 जो होता है, वो आज की जनरेशन का, थर्ड जनरेशन की कॉपर टी बताई गई है, जिसके अंदर थोड़ा सा जो है बनाने का एक थोड़ा सा एक नया टेक्नोलॉजी उसके अंदर डाली गई है। दूसरा, उसमें थोड़ा सा साइज का अंतराल है, वो थोड़ी सी लंबी मानी गई है, तो उसमें थोड़ा सा ये डिफरेंस है, एक तो वो महंगी होती है, सब जगह अवेलेबल नहीं होती, सब जगह नहीं मिल पाती है। तीसरा जो होता है कि उसकी लंबाई के थोड़ा ज्यादा होने की वजह से अगर किसी महिला का गर्भ छोटा है तो उसमें उसको डालने में समस्या होती है, बस इतना ही अंतर है, और तो दोनों का जो वर्क है, काम है, वो सेम है। बिल्कुल, तो मैम क्या ये कितने समय के लिए होती है दोनों, कम ज्यादा समय होता है इनका? हाँ, एक ये बहुत सुंदर आपने कहा, तो जो कॉपर सी 200 जो है उसको हम 3 साल तक, उसको हम धारण करने के बाद 3 साल तक वो गर्भ निरोधक की तरह काम करती है, और जबकि जो मल्टी लोड होती है उसमें भी फिर 2 और स्टैंडर्ड बताए गए हैं, जो कि एक जो 5 साल और एक 6 साल के अंतराल, मतलब के अंतर तक के समय तक जो है गर्भ निरोधक का काम करती है। एक चीज और मैम, अक्सर कहते हैं कि जैसे कॉपर टी लगवा ली है तो उसके बाद भारी काम नहीं करना चाहिए, हो सकता है ये एक मिथ भी हो, भ्रांति हो लोगों की, तो ये कितना सही है या नहीं, मैं ये जानना चाह रही थी, क्योंकि खासकर अगर हम बात कर रहे हैं पहाड़ के परिप्रेक्ष्य में, तो यहाँ की महिलाओं के लिए कैसा है? ऐसा वजन उठाने का नहीं उठाने का इसका कोई बहुत मतलब नहीं है, बस ये है कि इसको एक सही परफेक्ट जो जानने वाली जो चिकित्सक है, या कोई जो जानने वाली जो हम लोग सिस्टर आजकल के जो हम लोग के अस्पतालों में होते हैं, या दाइयों से तो हमें नहीं डलवाना चाहिए जो कि कहें, और क्योंकि इसके अंदर वॉल्सेलम जिसे डाला जाता है, स्पेकुलम, वॉल्सेलम, ग्लव्स, पूरा जो है उसको मेंटेन करा जाता है सेप्टिक मीडियम को, कि ताकि एंटीसेप्टिक रहे पूरा माहौल, और उसमें जो है डालने के लिए, और फिर कितने समय उसको, महिला को पूरा उसका संज्ञान, सारा ज्ञान दिया जाता है कि किस समय पर
डाला जाए, कितने समय तक उसको कैसे देखा जाए, किस समय पे निकाला जाए, कौन कौन सी स्थितियां परिस्थितियां ऐसी होती जिसमें कि इसको रखने से परेशानी हो सकती है, तो ये ज्यादा जरूरी है। इसमें वजन उठाने से कोई मतलब नहीं है इसका कि वजन ज्यादा उठाएंगे तो नीचे निकल जाएगा, ऐसी ही समय। और कभी कभी की कहते हैं कि पेट में दर्द भी होता है, वो तो खैर मैं आपको उसके हाँ। तो मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगी इसको डालने के मेरिट, मतलब क्या लाभ है, हाँ, क्या क्या बचाव है, वो बिल्कुल बिल्कुल वो आगे का प्रश्न हमारा रहेगा। तो एक चीज और थी कि अक्सर जैसे कॉपर टी पहनाते हैं जब किसी को डाल दी तो उसका एक तागा सा महसूस होता है महिलाओं को, खासकर अपने गुप्तांग में। तो मैम ये तागे का क्या महत्व है, अक्सर बहुत लोगों से सुनने को मिलता है। असल में ये जो टी शेप हल्के आकार का, तो इसको डालते समय क्या करते हैं कि बाहर का जो एक होता है वो एक मेटल का, कॉपर के मेटल का, कोई एक मेटल का बना होता है, कॉपर मेटल का, और उसके अंदर एक जो छोटा सा जो सॉफ्ट सा टिश्यू जैसा एक आकार का जो जिसको जो कि गर्म निरोधक के जैसे काम करता है, तो वो एक एपरेटस के थ्रू एक थ्रेड जब हम उसको अंदर डालते हैं तो एक धागा उसके उससे लटकता हुआ बाहर आता है बच्चेदानी से बाहर। तो उसका ये मतलब है कि वो एक इंडिकेशन है, इंडिकेटर के जैसे काम करता है, मतलब एक ये बताता है वो मापक जैसे है कि हमारा ये है कि नहीं है। कि ऐसा कई बार ये महिला इसी भ्रांति में रहती है कि मैंने कॉपर टी लगा हुआ है, और मान लीजिए महावारी कई बार श्राव रक्त श्राव ज्यादा हो जाता है या किसी कारणवश वो बाहर की तरफ निकल गया, तो उसमें वो धागा ही एक तरीका है जिससे कि वो महसूस कर सकती है कि वो मैंने मेरे पास गर्भ धारक जो मैंने गर्भ में धारण किया है कॉपर टी वो है कि नहीं है, तो वो उसका एक संकेत है बिल्कुल कि कॉपर टी अंदर है या नहीं है। बिल्कुल मैम बहुत अच्छी बात आपने बताई। और अब एक प्रश्न है मैम अगला कि इसको लगाने के बाद क्या क्या सावधानी एक महिला को बरतनी चाहिए। तो पहले तो हमें ये बताना चाहिए महिला को कि पहले सारे लोगों को ये बता देना चाहिए कि दो बच्चों के बीच में अंतराल रखने के लिए कॉपर टी से अच्छी कोई चीज नहीं है, ठीक है, क्योंकि गर्भ निरोधक गोलियां जो होती हैं वो भी अच्छी होती हैं, लेकिन गर्भ निरोधक गोलियां अगर वो माता शिशु को अपना दूध पिला रही है तो उस समय पे हम जो मुंह से लेने वाली गर्भ निरोधक गोलियां उसको हम बिल्कुल निषेध होती है, वो मना करते हैं, उससे कई बीमारियों का रोग पैदा हो सकते हैं। लेकिन कॉपर टी क्योंकि ये डिवाइस है, एक ये साधन है, ये उसको पेट के अंदर नहीं डाला जाता या खून में नहीं मिलता है, केवल ये एक माध्यम, मतलब जो हार्मोन जिनसे बच्चा पैदा होता है वो हार्मोन को रोकता है, बस इतना सुंदर इसका काम होता है। तो उसमें हम डालते समय पहले महिला को ये सारी चीजें हमें बताना पड़ता है कि ऐसा ऐसा है, ये चीजें हैं। अगर वो महिला एक्सेप्ट करती है उस चीज को अपने मन से अपने पति से बोल करके, तो उसकी कंसेंट लेने के बगैर एक तो हम इसको नहीं धारण करवाते हैं। जब एक बार हमें कंसेंट मिल जाती है, यानी कि उसकी वहां से अनुमति मिल जाती है, तभी हम उसको धारण करवाते हैं। इसका ये ध्यान रखना चाहिए महिला को पांचवें दिन, जब महावारी का पांचवा छठा दिन होता है, पांच दिन के अंदर नहीं कराया जाता। अब उसका भी क्या कारण है कि छठे दिन ही या पांचवें दिन ही क्यों धारण किया था, क्योंकि पांचवें और छठे दिन के बाद ही महिला के अंदर वो रसायन निकलते हैं, वो हार्मोन्स निकलते हैं जिसके वजह से वो गर्भ धारण करती है। तो ये कॉपर टी जो होती है उसको चेक करती है, उसको रोकती है उन हार्मोन्स को, ताकि वो गर्भ धारण ना कर सके। तो इसी समय पे पांचवें दिन के जब महावारी का पांचवा दिन होता है, तब उसको हमें कॉपर टी डाल देना चाहिए। और उसको जब अगला महावारी का जब रक्तस्राव होता है तो उसके पांचवें दिन उसको महसूस करना चाहिए कि वो धागा वो कॉपर टी है कि नहीं है, वो धागे के द्वारा। तो ये हमें सब चीजें उसको बताना चाहिए। अब आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया था कि इसके फायदे सावधानी क्या करनी चाहिए। सावधानी में इसका वजन का बहुत ज्यादा इससे कोई मतलब नहीं है, बस रक्तस्राव के जिस समय पे महावारी होती है, रक्तस्राव होता है उस समय पे कई बार होता है ब्लड के फ्लो के संग में निकल जाता है, या कई बार सोच के समय पे उसको ध्यान नहीं है या अज्ञानतावश को ये नहीं मालूम है तो वो थ्रेड समझ से खींच देती है, दूसरा ही बार है। तीसरा ये है कि इससे कई बार डालने के बाद में महिला को बहुत रक्तस्राव ज्यादा होने जाता है। अगर इस तरह की कोई इस तरह की परेशानी हो रही है तो उसको चिकित्सक अपनी महिला चिकित्सक के पास जाकर के उसका समाधान उसका ट्रीटमेंट पूछ लेना चाहिए। अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो उसको उन्हीं महिला चिकित्सक के पास जाकर के उस लिखवा लेना चाहिए। ये सावधानी हमको रखनी चाहिए। साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम साफ सफाई नहीं रखेंगे तो उससे हाइजीन अनहाइजीनिक की वजह से जो होता है पीआईडी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज से कहते हैं, बच्चेदानी के अंदर सूजन वगैरह आ सकती है। तो ये दूसरा हमें ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल मैम, तो ये तो आपने इसके सावधानियों की बात की, तो अंत में पूछते हैं कि इसके फायदे क्या क्या हैं कॉपर टी के। एक तो सबसे बढ़िया फायदा ये है इसका कि हम ये एक्टॉपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, जो कि बच्चेदानी में ना होकर के बाहर की तरफ बच्चा बन जाता है कई बार फेलोपियन ट्यूब वगैरह में, तो वो उसको ये 10% करीब
जो है उसको रोकता है, है ना। और दूसरा इसका यह है कि दो बच्चों के बीच में आपको अंतराल मिल जाता है तो महिला बिल्कुल निश्चिंत, मानसिक रूप से निश्चिंत रहती है। इससे कई चीजें जो है उसकी कई कई समस्याओं का समाधान हो जाता है। नहीं तो हर महीने तीसरे महीने उसको यही शंका रहती है, बच्चा गर्भधारण तो नहीं हो गया, महावारी तो रुक गई है, तो ऐसा तो नहीं हो गया, वैसा तो नहीं हो गया। तो दो बच्चे के बीच में अंतराल रखने का सबसे बढ़िया चीज है। तीसरा, इसका कोई साइड इफेक्ट ऐसा नहीं जैसे कि हम मुंह से गोलियां लेते हैं तो उसके थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, हाथ में सूजन जाती है, उल्टी, जी मचलाना, सर दर्द, इसके ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं है। तो कुल मिलाकर के मेरे ख्याल से कॉपर और बहुत इजीली मिल जाता है, हर जगह मिलता है क्योंकि गवर्नमेंट की सप्लाई है, गवर्नमेंट ने सर्वे करके किए, तो ये इसके फायदे हैं जो मैंने आपको बताया। मैम एक चीज मैं जानना चाह रही थी, क्या कोई ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि जब कॉपर टी को निकालना पड़ जाए? हाँ, तो मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था ना कि इसका ज्ञान, इसका बताना, इसको महिलाओं को उसके बारे में मतलब चेतनता देना, इसके बारे में अवेयर कराना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आपको उसके बारे में ज्ञान नहीं, तो कई बार वो मिथ में रह जाती है, कई बार उसको अज्ञानतावश कोई बहुत बड़ा नुकसान अपना कर सकती है। तो हमको 5-6 चीजें जो हम बताते हैं महिलाओं को कि कई बार कॉपर टीके लगाने के बाद तुरंत ही उसको बहुत तेज उसके पेट में दर्द होने लग जाता है, पेल्विक पेन जिसे कहते हैं, उस स्थिति में महिला को तुरंत चिकित्सक के पास जाकर के इसको कॉपर टी को निकलवा लेना चाहिए। नंबर दूसरा जो होगा, अगर उसके महावारी जैसे नॉर्मल उसके महावारी उससे पहले अगर नॉर्मल होती थी, पेन नहीं होता था, दर्द नहीं होता था, और लेकिन कॉपर टी लगाने के बाद में उसका परसिस्टेंट माने लगातार उसका दर्द रह रहा है, उस स्थिति में भी उसको निकलवाते हैं। तीसरी स्थिति यह है कि अगर उसको महावारी पहले की अपेक्षा में बहुत ज्यादा होने लगी और गांठ से मतलब थक्के थक्के करके निकलने लगे, उस स्थिति में भी उसको चिकित्सक के पास जाकर के उसका समाधान पूछना चाहिए। चौथी स्थिति है, कई बार गलत तरीके से कोई डाई वगैरह से डलवाने से क्या होता है, वो ढंग से नहीं डाल पाती है तो परफोरेशन मतलब अंदर इस तरह से डाल देती है कॉपर टी औजार को कि वो अंदर कहीं छेदित कर देता है, मतलब परफोरेट कर देता है, घाव कर देता है, तो उस स्थिति में भी हम उसको कहते हैं। और एक स्थिति और है कि जैसे अर्ली प्रेगनेंसी जिसमें हो जाती है जैसे है, तो उसमें भी हम कॉन्ट्रासेप्टिव, इसके जो कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो जाता है ये डालने के बाद में, उस स्थिति में भी हम उसको निकलवाने के लिए महिलाओं को आदेश करें। दोस्तों, कॉपर टी एक ऐसा संसाधन है जो हमारे गर्भाशय पर लगवाया जाता है और जो हमारे शरीर को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता है और एक महिला को लंबे समय तक गर्भ ठहरने से बचाता है। उम्मीद करती हूं आज की जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होंगी और अपनी रेडियो साथी ऋतु आर्या को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।